हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छा होंगे और भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर और हम पर भी ऐसे ही बना रहे। तो सुबह के बज चुके हैं 8 है और अभी उठ के आया हूँ मैं। मनीषा तो सुबह जल्दी आ गई थी और मैं उठ के और अब आया हूँ। तो मनीषा ने पहले घास वास काट के कुछ तो काट रखा है, अभी काट रही। देखो यहीं पर कितनी देर हो गई भैया आपको आए? आधी घंटा हो गई भाई इनको आए हुए, लेकिन मैं तो अभी उठ के आया हूँ क्योंकि बिट्टू ने आज रात को परेशान कर दिया उसने कि तो लेट उठा मैं तो, और वो भी लेट उठी। मैं हम दोनों साथ साथ ही उठते हैं बस, बिट्टू और मैं दोनों। क्या तोड़ के लाई? बता बता बता। ककोड़ा कितने? ये भाई भाई ये खराब है। एक तो उसको निकाल बाहर। ये पहले पहले काट देने दो। अटा अटा ये इनकी सब्जी मस्त होती है। आज आज का जुगाड़ तो है गया श्याम श्याम का तो है। सही है पागी पागी बिट्टू कह रही पागी भाई पागी फायदा करे। और बिट्टू की तबीयत खराब है तो उसके क्या दस्त लगे हुए हैं, 3-4 दिन हो गए दस्त नहीं रुक रहे हैं। यहाँ से दवाई ले ली तो अभी बिट्टू को लेके और माधोपुर जाना पड़ेगा क्योंकि जहाँ चक्कर आके और फिर दवाई दिलाएंगे। पता नहीं क्या हो रहा है, दस्त इतने भयंकर लग रहे हैं उसके। जो भी खाती है ना तुरंत ही निकाल देती है। पता नहीं क्या परेशानी है, कोई इन्फेक्शन है क्या नहीं है। तो अभी उसको लेके और माधोपुर डॉक्टर के पास जाके जांच करवाएंगे भाई क्या है क्या नहीं है परेशानी। तो थोड़ी समस्या आ गई है। बिट्टू सोते उठी है, देखो कैसे परेशान हो रही है बिल्कुल। अब सोते इसको कपड़े पहरा के और तैयार कर रहे हैं भाई। बहुत परेशान हो गया, दस्त या तोड़ देते हैं बच्चों को। बेटा बेटा अरे भाई बहुत ख़राब है तबीयत। तो अभी से तैयार करके इस बैग में इसके ले लिए कपड़े ताकि रास्ते में भी कोई दस्त वस्त हो तो बोतल रख ली हमने साथ में। और अब तैयार करके और अब रवाना होंगे यहाँ से बैंक। 4,000 रुपये में जाएगा हम। बिट्टू देख जाओ भाई। अरे भैया भूख लगी है बिट्टू को, है नाश्ता पानी कर रहे भाई। तो भाई पहुंच गए लेकिन अभी डॉक्टर 2 बजे बैठेगा तो 2 बजे बाद में दिखाएंगे। तो ऐसा बिट्टू के ड्रिप लग रही है इधर से, अरे ड्रिप लग रही है तो सो गए देख रहे एकदम से। बहुत ज़बरदस्त है, जांच हुई है अभी, जांच नहीं आई। जांच लिखी है इन्होंने CBC CRP MPSHO, ये जांच लिखी है। तो अभी जांच आना बाकी है, बाकी देखते हैं क्या होता है फिर। तो भाई दवाई दिला के आ गए और अब बिट्टू जाएगी सामान लेवा। क्या लेगी बिट्टू? चूड़ी मार्केट है। महिला मार्केट है, चूड़ी मार्केट, इंदिरा मार्केट, पता नहीं क्या। अरे बिट्टू क्या लेगी तू? बेटा क्या ले गए? अभी सूती उठी है भाई, इसके कैनूला लगा दिया है, इंजेक्शन लगेंगे। अभी 3 इन्फेक्शन बताया भाई ब्लड में बिट्टू के हमारे। अरे शॉपिंग करेगी बेटा? चलो भाई शॉपिंग करा। बिट्टू चल के बता बेटा, चल के। ए बिट्टू की पाई जमदा, चलने में इसको मजा आ रहा है। चल के बता, चल के बता। अरे बज रही है भाई बिट्टू की, बज रही है। तो भाई मनीषा को लगी भूख तो नाश्ता करने लगे हैं आप। बिट्टू खा ले बेटा, भूख लगी होगी ना, तो नाश्ता करना है। उधर उनके आ गए, चलो करो स्टार्ट। बिट्टू नहीं खाएगी। क्या हो गए धाप के? हैं बिट्टू तू धाप के नाश्ता? हैं और खा ले कुछ? बस वही नाश्ता कर ली, खरीदारी भी कर ली इधर से चूड़ी मार्केट से, और अब चलते हैं घर पे। हम बैठे हैं मोटरसाइकिल पे बिट्टू में, मनीषा उधर सब्जी ले रही है। सब्जी मार्केट। तो भाई मनीषा सब्जी इधर रख गई और दोबारा लेने गई है यहाँ पर, पता नहीं क्या कमी रह गई। आलू मिर्ची अदरक टमाटर। ये बिट्टू तेरे को खरीद ले गया? वही 5:30 बज चुके, घर से निकले 9:30 बजे।
बिट्टू की तबीयत कैसी है बेटा? हैं? सही है, अभी कैमरा लग रहा है भाई हमारे बिट्टू के हाथ में। और छुटाई तो एक दो घंटा फिर छुटने में लगे, और बिट्टू को इसके बाद भी लेके आए जब से एक बार लाइटनिंग गई, और अब पता पड़ा भाई घर जाके दवाई गोली देंगे फायदा पड़ेगा जब। तो वो रात लेट हो गए यहाँ 5:30 बज चुके, अभी घर जाएंगे, एक डेढ़ घंटा में जाके पहुँचेंगे। तब पहुँचे बनास नदी में, और देख सकते हो अभी तक बनास नदी में खूब पानी आ रहा है, और हम देवली वाली पुलिया पे अभी इधर मनीषा खड़ी है बिट्टू गोदी में, मच्छी वाले भी मच्छी पकड़ रहे भाई नीचे से हैं, अभी तक खूब पानी आ रहा है यहाँ पर। अब दिन हो गए बिल्कुल आंखें लाल हो चुकी है पूरी एकदम से, क्योंकि इस रोड पे बजरी का कारोबार है, बजरी आंखों में जाती है। आज हेलमेट लेके नहीं आया तो बहुत ज़्यादा परेशानी आई भाई। तो अभी यहाँ से रवाना होते हैं, बनास नदी का सीन आपको बताया दिया हमने, और दिखा देते हैं पानी बह रहा है खूब इधर देखो साफ। मनीषा कह रही कि भाई ये हल रही है पुलिया। अब पुलिया हिलेगी नहीं क्या? साधन निकलेंगे तो हिलेंगी ना। बजरी इतनी उड़ती है भाई, देखो कपड़े देखो, सुबह नहा धो के और बढ़िया फ्रेश होके आया था। शकल देखो तो मनीषा ही शकल देखो, कल में 12 बज गए बिल्कुल हमारे। अरे इस रूट से ही नहीं आना था, लेकिन क्या करें उधर हमारे बनास में पानी आ रहा है, तो अभी चलने की भी हालत नहीं है बिल्कुल। देखो कैसे अभी अंधेरा अंधेरा सा हो गया इसमें, बिल्कुल जैसे नशे में हो रही है बिट्टू। चेहरा तो बिट्टू का हमारा भी देखने लायक भाई, आंखें ऐसी हो रही है जैसे आज मैंने शराब पी रखी है फुल कदाई, एकदम से ऐसी आंखें हो रही है। तेरी तो नहीं हो रही यार, तेरी तो सही है भाई। यहाँ बारिश देखो, चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है, चारों तरफ इधर भी पानी भरा हुआ है, ठेठ वहाँ तक देख सकते हो आप, पानी ही पानी है। लेकिन इधर आदमी है, ये रोड है मलाना डूंगर भाड़ोती वाला। भाई साहब आंखों में चटके चल रहे हैं, उधर क्या है हमारे कुंडेरा वाला रास्ता सही है, लेकिन उसमें क्या है थोड़ी समस्या आ गई, जैसे बनास के ऊपर रपट बनी हुई है तो उसमें से पानी रपट के ऊपर होके जा रहा है, और पानी लगातार एक महीने से बह रहा है तो उसमें कजी आ गई, मोटरसाइकिल से रिपटने का डर है, तो हमें से रिक्स नहीं ली, और करीब 30 किलोमीटर का फेर खा के इधर होके गए माधोपुर। तो आंखों से झाँका भी नहीं जा रहा यार, क्या करें भाई। तो एनर्जी के लिए भाई साहब टाइगर लेके आए, एक इनके लिए एक हमारे लिए, पानी भी प्यास भी लग रही थी तो सोचे नहीं बिट्टू को मत पिलाओ यार, शायद बिट्टू सही नहीं रहेगी, सोने दो उसको सोने दो। बिट्टू पी के देख कैसे करती है। मजा आ रहा है बिट्टू तेरा का? पी के कैसे करेगी देखना देख। पानी पानी थोड़ी बेटा, ये पी ले 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 पी ले। क्या कह रही भाई पानी है। भाई साहब 9 बज चुके हैं और अब पहुंचे घर पे आके, और अभी बिट्टू की तबीयत थोड़ी सही है, फायदा है लेकिन इतना ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन अभी भी ये मतलब अभी अभी जाके आइए फ्रेश होके आइए तो ज़्यादा परेशानी नहीं आई। ये सबके कैसे मुंह उतर रहे हैं। परेशान हो गए भाई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए भाई, परेशान इतने हो गए कि मतलब अभी जाके और थोड़ा मुंह धो के और फिर आया हूँ बिल्कुल एकदम से, नहीं तो आंखें बिल्कुल आंखें देखो आप आंखें कैसी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है हमारे बिट्टू के क्या है ब्लड में इन्फेक्शन है, तो उसकी दवाई दी है 3 दिन के लिए, इंजेक्शन दिए, कैनूला लगा दिया इसके हाथ में, देखो कैनूला लगा दिया, और इसकी देखो ये लेके आया भाई है, तो ये बस इसके लगी रहती है अब बजाने में ही। सही है बेटा, तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई।